Hello students, in this video another important vegetative organ of the leaf or organ of the plant, that is leaf, will be discussed. Most important vegetative organ aisa usko hum log bol sakte hai, as it is involved in the process of photosynthesis and different other functions. Typical leaf कैसा है? It is green, expanded, exogenous appendage. कहाँ से produce हुआ? Node of a stem or its branch. जो green leaves होते हैं plant के, उनको हम लोग foliage leaves बोलते हैं. और जो non-green membranous है, उनको मैं scale leaf बोलता हूँ. जो floral leaves होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, उनके नाम क्या है? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल्स. जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया या स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहे, उन्हें मैंने स्पोरोफिल बोला है. बराबर. हिप्सोफिल ये भी टर्म होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए. बराबर. जो फ्लोरल बड के पास होता है, एम्ब्रियो से जो लीव्स प्रोड्यूस होते हैं वो कॉटिलेडनरी लीव्स है. बराबर. ऐसा कैटाफिल ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो स्केल के लिए या कॉटिलेडन को एक्सप्रेस करने के लिए लिया जाता है. विक्टोरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट. बराबर. जो लार्जेस्ट लीव्स को रिप्रेजेंट करता है, 1.5 मीटर इन डायमीटर, ऐसा वो पर्टिकुलर पार्ट. बराबर. अब इस लीफ के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे और उसके बाद मैं लीफ के स्ट्रक्चर पे आऊंगा. डिसिमिलर लैटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ. बराबर. लैटरल flattened outgrowth of stem is a leaf. बराबर. हमने अब तक ये पढ़ा है ही कि वो exogenous in origin है. दूसरा जो important point हम लोगों को मिलता है कि it is produced at node of stem. बराबर. शोज एक्सिलरी बड एट इट्स बेस. लैटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ है ही, लेकिन इसकी ग्रोथ कैसी है? इट शोज लिमिटेड ग्रोथ, एफेमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है. बराबर. मे शो प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स एज अपेंडेजेस ऑन बोथ साइड्स. बराबर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. And along with photosynthesis, it is involved in the process of transpiration also. बराबर. Characteristic venation भी present होता है इनमें. And it also helps in gaseous exchange during photosynthesis as well as respiration. ऐसे लीफ के मुझे तीन पार्ट्स मिलते हैं. दिस इज लीफ. बताने की जरूरत नहीं, सबको समझता है ये लीफ है. दिस इज लीफ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज लीफ बेस. सेकंड पार्ट जो है उसे बोला है हमने लीफ लैमिना. और तीसरा जो पार्ट हमें मिलता है
वो है लीफ पिटियोल। सो बेस ऑफ लीफ बराबर पिटियोल ऑफ लीफ एंड लैमिना ऑफ लीफ, ऐसे तीन पार्ट्स मिले। इन सब में अब सबसे पहले जिसकी बात करनी है वो इसका पिटियोल है बराबर। पिटियोल का दूसरा टर्म क्या? तो पिटियोल इसलिए पहले लिया क्योंकि पिटियोल ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है बराबर। पिटियोल इज सिलिंड्रिकल मोस्टली, हाँ समटाइम्स फ्लैटन, पिटियोल इज समटाइम्स फ्लैटन सिलिंड्रिकल बराबर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जो क्या कर रहा है रेजेस लैमिना, लैमिना को ऊपर उठाता है, रेजेस लैमिना अबोव द लेवल ऑफ स्टेम, स्टेम के थोड़ा सा ऊपर लाएगा यानी उसको एक्सपोज करेगा बराबर। एक्सपोजर बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिटियोल इसे उठाता है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो सही तरीके से हो सके बराबर। अब यहां एक चीज याद रखनी चाहिए कि लीफ विथ पिटियोल इज सेड टू बी पिटियोलेट लीफ बराबर, और लीफ विदाउट पिटियोल इज सेड टू बी ससाइल लीफ। दो टाइप्स हो गए बराबर। इस पिटियोल को एक और टर्म दिया जाता है, दिस पिटियोल इज रेफर्ड एज मिजोपोडियम बराबर, उसे हमने टर्म दिया है मिजोपोडियम। पिटियोल जिस पॉइंट को अटैच्ड है नीचे वो पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है लीफ बेस से बराबर। और जब मैं लीफ बेस की बात करूंगा ये उसका लोअर पार्ट है और उसे मैं टर्म देता हूं हाइपोपोडियम। अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का है। अटैचेस लीफ टू द स्टेम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बराबर। यू कैनॉट यूजुअली डिफरेंशिएट लिप बेस एंड पिटियोल। समटाइम्स दिस लिप बेस बिकम सोलन और जब वो सोलन लिप बेस हो जाएगा उसे मैं बोलता हूं पल्वाइनस लिप बेस बराबर, पल्वाइनस लिप बेस। अब ये पल्वाइनस लिप बेस जो है वो करता क्या है? तो वो शॉक मूवमेंट जो होती है लीफ की, स्लिप एंड शॉक मूवमेंट्स, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ मिलता है इसका एग्जाम्पल लगेगा बराबर, माइमोसा जो है टच मी नॉट प्लांट, उसमें हमें पल्वाइनस लिप बेस मिलता है। समटाइम्स दिस लिफ बेस इज शीथिंग लिफ बेस बराबर। शीथिंग लिप बेस यानी कैसा? तो ये है स्टेम और इस स्टेम के ऊपर ही अब मैं शीथिंग लिप बेस बना रहा हूं। इस तरीके से ये लीफ का बेस खुद को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस और वो कंप्लीटली स्टेम को कवर करता है। आप ये डायग्राम अगर देखोगे तो ये लिप बेस है लाल वाला और ये अंदर जो है उसके वो स्टेम है। स्टेम को कंप्लीटली कवर किया और इसलिए शीथिंग लीफ बेस ऐसा उसको हम लोग बोलेंगे बराबर। शीथिंग लीफ बेस के भी टाइप्स होते हैं, हमें उसके अंदर जाना नहीं है डिटेल में।
ये शीत और शीथिंग लिपेस, एग्जाम्पल ग्रासेस का है, बराबर। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रहे कि ग्रासेस में, मोनोकॉर्ड्स में स्पेशली, यहाँ इस लीफ बेस और लीफ लैमिना के जंक्शन पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है विच इज कॉल्ड एज लिग्यूल, बराबर। और इस लिग्यूल के बेसल पार्ट पे या इस पार्ट पे हेयर ग्रोथ हमें मिलती है, फाइन हेयर मिलते हैं जो इस लैमिना से उतरकर नीचे आने वाला पानी एब्जॉर्ब करेंगे और स्टेम के अंदर नहीं जाने देंगे, यानी डिकेइंग से उसे प्रोटेक्ट करेंगे, बराबर। लीफ विथ लिग्यूल, इज कॉल्ड एज ए लिग्यूलेट लीफ, बराबर। अब यही पे एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे, ये देखिए, ये है स्टेम या ब्रांच, ये हो गया लीफ बेस और ये हो गया पिटियोल, और इसके अपेक्स पे ये है भाई लीफ ऐसा, दो लैटरल आउटग्रोथ्स लीफ बेस पे होते हैं, बराबर, यूजुअली ग्रीन इन कलर, ये ऐसे। ये जो दो आउटग्रोथ्स अभी मैंने बनाए हैं इनको बोला जाएगा स्टिप्यूल्स, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, दे कैन बी लैटरल, एक्सिलरी, अपोजिट, ऑक्रिएट, फोलिएशियस, बराबर। हम लोगों को इनके टाइप्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, एक मॉडिफिकेशन मिलेंगे, लेकिन दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लीफ विथ स्टिप्यूल इज सेड टू बी स्टिप्यूलेट लीफ, बराबर, और लीफ विदाउट स्टिप्यूल is said to be extipulate leaf. Most important point, ये याद रहे। अब यही पे हम लोग अगर आगे बढ़े और उसके सबसे important structure पे आए, तो वो important structure leaf का जो है वो है lamina. लीफ लैमिना, बराबर। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ब्लेड, लेकिन मोस्टली ब्लेड, ये जो टर्म आती है वो हम लोग मोनोकॉट लीव्स, स्पेशली ग्रासेस में टर्म ये अप्लाई करेंगे। यहां ब्लेड का जो मतलब होता है तलवार से सिमिलर, ब्लेड धारदार स्ट्रक्चर ऐसा, बराबर। लैमिना इज कॉल्ड एज एपिपोडियम, ग्रीन एक्सपांडेड फ्लैटेंड विथ टू डिस्टिंक्ट सरफेसेस, बराबर, कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसपिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज, most important point, and supported by vein. जब मैं इस leaf lamina को यहां draw करूंगा, एक general lamina बनाते हैं, यहां पे ज्यादा ये है leaf lamina, बराबर। अब इसके point, इसके parts क्या है, this is called as apex of leaf, इसको बोलेंगे lamina, ये हो गई लीफ मार्जिन, जो हर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। इसके बिल्कुल बीच में से जाने वाला ये मेन वेन या कॉस्टा या मिडरिब,
इस मेन वेन से निकलकर लैमिना के हर पार तक पहुंचने वाली ये सारी लैटरल वेन्स, बराबर। और इन वेन्स के अरेंजमेंट को हम लोग टर्म देते हैं वेनेशन, जो डाइकॉट में रेटिकुलेट है और मोनोकॉट में पैरेलल है। किसी भी लीफ का वेनेशन अगर पढ़ना है तो वो क्लियर कहाँ से दिखेगा? क्लियर फ्रॉम डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीफ। आप लीफ को पलटा के देखिए, आपको तुरंत उसका वेनेशन समझता है। मैंने बोला था कि लैमिना के दो डिस्टिंक्ट सरफेसेस है, बराबर। एक जो है उसे मैं टर्म देता हूं एडेक्शियल, बराबर। एडेक्शियल को हम लोग एक्सप्लेन करते वक्त बोलते हैं वेंट्रल और अपर, और दूसरा जो होता है वो है एबेक्शियल। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, और एबेक्शियल को एक्सप्लेन करते वक्त हम लोग बोलते हैं डॉर्सल और लोअर। ब्रॉडली प्लांट टाइप के हिसाब से मुझे दो टाइप के लीव्स मिल रहे हैं। डाइकॉट का जो लीफ होता है उसको एक्सप्लेन करते वक्त मैं बोलता हूँ डॉर्सी वेंट्रल, अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा। और मोनोकॉट्स का जो लीफ होता है उसे मैं बोलता हूँ आइसो यानि सेम, बाय यानि दो, लैटरल यानि साइड, यानि दोनों साइड पे स्टोमेटा सेम, बराबर। अब ये सारा पार्ट क्वेश्चन बन के हमें आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, बराबर। ये देखिए यहां लिग्यूल की पोजीशन कितनी क्लियर है। वो जो लिग्यूल वाला पार्ट था उसे मैं एक बार और ले रहा हूं। ये ऑरिकल्स हो गए, ये लीफ लैमिना या ब्लेड हो गया, ये उसका कॉलर रीजन है और ये उसका शीथ है। ये शीथिंग लिब्बेस का कोई एग्जाम्पल है क्या? तो आंसर है यस, शीथिंग लिब्बेस विथ लिग्यूल। ग्रासेस हमने पहले बोला है नो डाउट, लेकिन टिपिकल एग्जाम्पल की अगर बात करना चाहते हो तो वो है सॉर्गम वल्गेयर, जवार। ये एग्जाम्पल आएगा। लीफ के फंक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे लीफ के अरेंजमेंट्स, वेनेशन और टाइप्स के साथ, और फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स।